पापा हम यहाँ से चले जाते हैं। मानता हूँ भाई, बड़े चालाक है बदमाश। खैर कोई बात नहीं, बकरे की माँ मधुरिका, अगर मैं डाकू बना हूँ तो वो सिर्फ दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए। मैंने किसी निर्दोष पर कभी वार नहीं की। शायद ही किसी को उनका नाम पता होगा, पर इन्हें भारतीय फिल्म जगत का पहला बॉडी बिल्डर कहा जाता है। 40 और 50 के दशक में टार्जन सीरीज के लिए इनका नाम काफी चर्चित रहा। इसके अलावा फियरलेस नाडिया की एडवेंचरस फिल्मों में जॉन कावर्स बतौर हीरो दिखाई देते थे। वो बात अलग है कि फियरलेस नाडिया के होते हुए फिल्मों के लीड हीरो को नजरअंदाज किया जाता है, पर इस बात से उनके अस्तित्व की बात को नकारना भी नहीं चाहिए। तो चलिए जॉन कावस की छोटी सी कहानी पर नजर डालते हैं। जॉन कावस के नाम से ऐसा मालूम पड़ता है कि वो ज्यूइश कलाकार रहे होंगे, पर असलियत में वे पारसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में 1910 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक था। फिल्म जगत में प्रवेश करने से पहले वे 1930 के साल के ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के चैंपियन भी रह चुके थे। साल 1935 से पहले वे रोजगार के सिलसिले से मुंबई आए। यहाँ उनकी पहचान स्टंट फिल्मों की शुरुआत करने वाले मशहूर फिल्मकार होमी वाडिया से हुई। उस वक्त वे हंटर वाली फिल्म बना रहे थे। कावस पैदाइशी बॉडी बिल्डर थे, इसलिए होमी वाडिया ने उन्हें इस फिल्म में कास्ट कर लिया। एक्टिंग के अलावा वे स्टंट डायरेक्टर का भी काम किया करते थे, इसलिए आगे चलकर जॉन कावस ने स्टंट मैन का भी काम किया। 1935 में रिलीज हुई हंटर वाली फिल्म पूरे भारत में मशहूर हुई और फेयरलेस नाडिया के साथ दूसरे कलाकार भी रातों रात स्टार बन गए, जिसमें जॉन कावस भी थे। इस फिल्म के बाद जॉन कावस एक जैसी फिल्मों में नजर आने लगे। होमी वाडिया द्वारा बनाई गई टार्जन सीरीज में जॉन कावस अपनी बॉडी दिखाते हुए नजर आते थे। इस बात के लिए वे घर घर में मशहूर भी थे, पर उनकी कामयाबी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उनकी फिल्में जिस कैटेगरी में आती थी उसमें बड़े बड़े सुपरस्टार काम नहीं करते थे। 50 के दशक के बाद रोमांस का दौर शुरू हुआ, जिसमें सुनील दत्त, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार रोमांटिक और थ्रिलर फिल्में बनाते थे, और दूसरी ओर जॉन कावस जैसे अन्य कलाकार एडवेंचर फिल्मों तक सीमित हो गए। जॉन कावस जैसे कलाकार आगे चलकर डूबने लगे, क्योंकि थ्रिलर फिल्में बनाने वाले लोगों ने इन कलाकारों को थिएटर में जगह दी नहीं, इसलिए दर्शकों ने भी उन्हें भुलाना शुरू किया। ना सिर्फ कलाकार की किस्मत बिगड़ी, बल्कि वाडिया मूवीटोन जैसी बड़ी कंपनी को भी अपना फिल्म मेकिंग का स्टाइल बदलना पड़ा। जॉन कावस ने अपने जीवन में 28 फिल्मों में काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म खिलाड़ी 1968 के साल में रिलीज हुई थी। जॉन कावस जितने खूबसूरत थे, उतनी खूबसूरत वाणी उन्हें नहीं मिली थी। साथ ही वे अच्छी हिंदी बोल नहीं पाते थे। कुछ लोग दिखने में बहुत स्लो होते हैं और हर काम को बहुत धीमी गति से करते हैं। जॉन कावस का मिजाज भी कुछ उसी प्रकार का था। अच्छी बॉडी होते हुए भी वे बड़े मासूम थे, धीमी आवाज में बात करते थे। फिल्मों के बदलते स्वरूप से उन्हें कोई एतराज नहीं था। उन्हें इस बात का भी गम नहीं था कि उन्हें आज कोई नहीं पहचानता। यहाँ तक अखबार और मैगजीन्स में उनका नाम गलत तरीके से लिखा जाता था। कावस की जगह कोवास तो कभी कवास लिख दिया जाता था। कुछ जानकारों का कहना है कि दारा सिंह के आ जाने से उन्हें काम मिलना बंद हो चुका था। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। अभिनय छोड़ने के बाद होमी वाडिया ने उन्हें अपने ऑफिस में केयर टेकर के पोस्ट पर रखा हुआ था, और आने जाने वाले लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। दुर्भाग्य है हमारे फिल्म जगत का, जहां उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है और डूबता हुआ तारा यूं ही मर जाता है। आज के दौर में हमारे पास जॉन कावस को लेकर इतनी ही जानकारी है। 30 और 40 के दशक में स्टंट के लिए लोकप्रिय रह चुके जॉन कावस का देहांत 4 अक्टूबर 1993 में हुआ था।